अब देखिए इस घंटे की दूसरी बड़ी खबर का एनालिसिस। भोपाल लोकसभा सीट पर इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को इस सीट से उतारा है। दिग्विजय सिंह 16 साल बाद कोई चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने 2003 में सत्ता गंवाने के बाद 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन इस बार वो बीजेपी की मजबूत सीट भोपाल से मैदान में है। बीजेपी दिग्विजय सिंह के मुकाबले हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाली साध्वी प्रज्ञा को उतारने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो भोपाल सीट पर काफी ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को पिछले साल ही एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। प्रज्ञा को इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट में फंसी हुई थी और बहुत लंबी जेल के बाद वो अब निकली छूटी। और दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद के हरदम पैरोकार रहे हैं कि भगवा आतंकवाद शुरू हो गया। भगवा आतंकवाद नाम का कोई शब्द नहीं था, लेकिन ये गढ़ा था दिग्विजय सिंह ने। जेल से रिहा होने के बाद साध्वी प्रज्ञा को हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा कांग्रेस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाती रही है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की कोशिश की। ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के विरुद्ध था कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद को सिद्ध करने के लिए उन्होंने देश विरोधी षड्यंत्र करके जिस प्रकार